अगर आपके भी 4000 घंटा कंप्लीट हो गया और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया और आप भी चाहते हैं कि आप अपने चैनल को भेजें मोनेटाइजेशन के लिए रेवेन्यू में भेजें, तो भैया ये गलती मत कीजिएगा जो गलती मैंने किया। और दो चार चीजें जो मैं आपको बताऊंगा उनको बस ध्यान दीजिए, बाकी कोई भी हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके, मेरा खुद का चैनल अभी क्रॉस किया 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर, मेरे पास भी मैसेज आया कि आप भी अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने गलती किया और 4 से 5 दिन हो गया, मेरा चैनल प्रीव्यू में है, मोनेटाइजेशन मेरा ऑन नहीं हुआ, इन प्रोसेस दिखा रहा है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो ये गलती आप भी मत कीजिएगा अगर आपका भी चैनल मोनेटाइज होने वाला है। और ये वीडियो को देखने के बाद आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो कभी भी आपका चैनल रिव्यू में नहीं जाएगा, 4 दिन 5 दिन नहीं वेट करना पड़ेगा। और मैं सच बता रहा हूँ, आपका चैनल 1-1 घंटे में मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन जो मैंने गलती की अगर वही करेंगे तो 4-5 दिन 10 दिन आपको लटकना पड़ जाएगा, हो सकता है और भी महीनों इंतजार करना पड़े। ओके, तो पहली चीज क्या है कि देखिए, अगर हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया। 1000 सब्सक्राइबर का मतलब होता है कि भैया आपने किसी के फोन में लेकर के सब्सक्राइब करा दिया होगा चैनल, आपके अपने दोस्त के फोन में सब्सक्राइब करा दिया होगा चैनल, अब वो चाहता है कि आपको अनसब्सक्राइब कर दें तो क्या होगा बताइए। तो इस केस में YouTube कहता है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मैं नहीं मानता हूं कि आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, कम से कम 10 से 15 सब्सक्राइबर ज्यादा होने चाहिए आपके पास, और वो अचानक से कम ना हो जाए, अचानक से ज्यादा ना हो जाए। आज आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए, फिर 2 घंटे बाद 999 हो गए, फिर 1000 सब्सक्राइबर हो गए, फिर 999 हो गए, फिर 1002 हो गए, फिर 998 हो गए। तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, आपका स्टेबल होना चाहिए। इसीलिए YouTube 1000 सब्सक्राइबर को नहीं मानता, वो कहता है कि 1050 हो जाए, 1020 हो जाए, 1030 हो जाए। मान लिया आपके पास 1050 सब्सक्राइबर हो गया, तो 10-5 लोग अनसब्सक्राइब करेंगे, 10-5 लोग छोड़ के जाएंगे, पूरे लोग तक करके नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि आपके पास अगर 1050, 1060 या 1100 सब्सक्राइबर हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मोनेटाइजेशन में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मोनेटाइजेशन में, और आप उस समय अपना चैनल रिव्यू के भेज सकते हैं। ओके, तो एग्जैक्ट अगर 1000 सब्सक्राइबर पे है तो मत भेजिएगा, हमेशा 50-20-30 ज्यादा ही होना चाहिए। ये हमारी पहली गलती है जो हम सभी करते हैं। अब दूसरी चीज जो हम सभी सबसे बड़ी गलती करते हैं, देखिए ये जो मैं आपको कोई दो ही चीज बताऊंगा, दो तीन चीजें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तो दुनिया के जितने भी वीडियोस बनी हैं वो सभी फर्जी हैं, सच बता रहा हूं। डराने धमकाने के लोग काम करते हैं, ये वो फर्जी चीज है, वो सब नहीं, बस दो या तीन चीज है जिसको देख करके हमें बस मोनेटाइजेशन के लिए भेजना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि हमने 4000 घंटे कंप्लीट कर लिया, 4000 घंटा कंप्लीट कर लिया, लेकिन YouTube उसको नहीं मानता कि आपने 4000 घंटे कंप्लीट किया है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि क्या पता आपने लाइव स्ट्रीम किया हो, क्या पता आपने गूगल एड चलाया हो, क्या पता आपका शॉर्ट वीडियो से व्यू आ रहा हो, है ना। तो इसके लिए भी जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो आपके चैनल पे 4100 या 4200 घंटा होना चाहिए जो वैलिड घंटा है, शॉर्ट वीडियो को छोड़ करके और आप गूगल एड से जो वीडियो चलाए उसको छोड़ करके लाइव स्ट्रीम काउंट होता है। ओके, आप अपने चैनल की मोनेटाइजेशन बढ़ाने के लिए लाइव स्ट्रीम खूब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, और वो सच में काउंट होता है। लेकिन गूगल एड्स की व्यू और गूगल एड्स का वॉच टाइम सच में काउंट नहीं होता है, शॉर्ट वीडियो का व्यू और शॉर्ट वीडियो का वॉच टाइम सच में काउंट नहीं होता है, ये मैंने खुद अपने चैनल पर देखा। तो यूट्यूब मानता है कि अगर आपने 4000 घंटा कंप्लीट किया है तो 4000 घंटा कंप्लीट पूरा कर लिया, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, वो तो बस एक क्राइटेरिया पूरा करने का हो गया कि आपने चाहे जैसे भी करके कंप्लीट करा लिया। अगर आपके एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, अगर आप सच में अच्छी वीडियो बनाते हैं तो आज अगर 4000 घंटा है तो कल 4050 होगा, फिर 4060 होगा, फिर 4100 घंटा होगा, फिर 4200 घंटा होगा, फिर 4300 घंटा होगा, ऐसे करके आपका वॉच टाइम बढ़ता जाएगा। तो यूट्यूब कहता है कि अगर आप सच में एक अच्छे क्रिएटर हैं तो 4000 घंटा मायने नहीं रखता है, आपका आज अगर 4000 घंटा कंप्लीट हुआ है तो कल 4200 घंटा हो ही जाएगा, या 10 घंटा 20 घंटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप जब भी मोनेटाइजेशन के लिए भेजिए तो इस बात का ध्यान देना कि एग्जैक्ट 4000 घंटे पे कभी मत भेजिए। अगर एग्जैक्ट 4000 घंटे पे आप भेजेंगे तो मैं मानता हूं आपके साथ मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 4 दिन 5 दिन आपको लटकना पड़ जाएगा, सच बता रहा हूं, मैं खुद ये काम करके मैं फंस गया। अगर आपके मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपका अगर घंटा 4200 कंप्लीट हो गया, 4300 कंप्लीट हो गया, देखिएगा आपको घंटों भी नहीं लगेंगे और आपका मोनेटाइजेशन का मैसेज आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशंस, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। ओके, तो ये चीजें काफी अच्छी हैं, इनको आपको करना है, सच बता रहा हूँ। एक दो चैनल ही मैंने 10 से ज्यादा चैनल चलाया है, 10 से ज्यादा मेरे पास चैनल मोनेटाइज किया मैंने, तो ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस मैंने देखा है। तो प्लीज आप में से सभी लोग
ये काम करिएगा कि जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जाए तो 4200-4300 घंटा कंप्लीट होने के बाद ही आप अपना चैनल रिव्यू के लिए भेजें। और भी रूल्स हैं, वो तो आप सबको पता है कि आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, आपके चैनल पे गाइडलाइन नहीं होना चाहिए, ये तो आम बात है, ये तो सबको पता होता है कि गाइडलाइन वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दो चीजें जो है यही सबसे बड़ी मायने रखती है कि चैनल को रिव्यू में भेजने से पहले ये गलती मत करना। इस टॉपिक की ये पूरी की पूरी वीडियो है जो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पे अभी 4 से 5 मेरे वीडियो बनाया है जो 2022 की मोनेटाइजेशन की रिलेटेड वीडियोस हैं, तो उनको पक्का देखिएगा। यहाँ वीडियो, यहाँ वीडियो, यहाँ वीडियो दिख रही है, इन पे क्लिक करके देखिए और प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप देख सकते हैं।